ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। तो दोस्तों, मैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से काफी सारी अपडेट्स लेकर आ चुका हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। एंड फ्रेंड्स, आप लोग बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पर भी रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है सुनीत जाधव जी की तरफ से। और दोस्तों, मैं उनकी अपडेट लेकर आ चुका हूँ और आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हो कि सुनीत जाधव जो है वो बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं और वो उनकी हैवी ट्रेनिंग जो है चल रही है। और उनकी आप लोग फिजिक देख सकते हो कि उनकी राउंड और 3D मसल बेलीज आप लोग नोटिस तो कर ही सकते हो। बाकी सुनीत जाधव इस बार ही काफी ज्यादा साइलेंट लग रहे हैं, ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं करी अभी तक उन्होंने कि वो कौन से शो के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। मगर टेंशन मत लो यार, हनी रैम्बोर्ड ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा सुनीत जाधव के लिए। और इस बार अगर इन्होंने मुंबई के अंदर नहीं कम्पीट करा, जो मुंबई का प्रो शो होने वाला, अगर उसके अंदर नहीं कम्पीट करा, तो हो सकता है कि वो कोई दूसरे शो के अंदर कम्पीट करेंगे ओलंपिया से पहले। बाकी क्या लगता है दोस्तों, फिजिक कैसी लग रही है आप लोगों को सुनीत जाधव जी की, आप लोग मुझे कमेंट करके तो बता ही सकते हो। इसके बाद दोस्तों, मैं बात करूंगा हमारे महेश चौहान जी की फिजिक अपडेट के बारे में, जो कि 212 डिवीजन के अंदर कंपीट करेंगे मुंबई के प्रो शो के अंदर। और आप लोग इनकी करंट फिजिक देख सकते हो एंड डेफिनेटली इनकी फिजिक पे तो चेंजेस जो है वो आप लोग नोटिस कर सकते हो। पहले से ज्यादा वैस्कुलर लग रहे हैं और पहले से ज्यादा वैस्कुलर और कंडीशन नजर आ रहे हैं। बाकी मुंबई वाले शो के अंदर ज्यादा टाइम रह नहीं गया, सिर्फ 5 हफ्ते रह चुके हैं। बाकी देखते हैं कि ये कैसा पैकेज लेकर आते हैं और इस बार क्या ये जीत सकते हैं मुंबई का प्रो शो अगर सुनीत जाधव जी नहीं आए शो के अंदर, कैसा हो सकता है? तो भाई कुछ भी हो सकता है, अभी ऐसा कुछ डेफिनेटिव आंसर नहीं है। बाकी आप लोगों को इनकी फिजिक अपडेट कैसे लगी मुझे कमेंट करके तो बता ही सकते हो। इसके बाद दोस्तों, हम सीधा बढ़ेंगे अपनी मेंस फिजिक की अपडेट के बारे में, जो कि आ रही हमारी राहुल फिटनेस की अपडेट। और इस बारी कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला है, ऐसा वो कैप्शन के अंदर लिखते हैं। मैं नहीं कह रहा, इस बारी वो लिखते हैं कि समथिंग बिग इज कमिंग। और भाई अभी मैंने कल ही अपडेट डाली थी इनकी तरफ से कि इनकी बैक वाली अपडेट आ रही है, तो ये वाले भाई तो एकदम बैक टू बैक अपनी बैक की अपडेट डाल रहे हैं। थोड़ा सा वो हो गया, राइमिंग वाला हो गया। बट कमिंग ऑन टू द फिजिक अपडेट, आप लोग देख सकते हो कि भाई राहुल की इस बारी वन ऑफ द बेस्ट बैक्स जो होने वाली मुंबई के प्रो शो के अंदर वो लेकर आएंगे। और इस बारी अपनी लाइव वीडियो के अंदर अपनी करंट कंडीशनिंग भी दिखाते हैं और आप लोग देख सकते हो कि यार उनकी करंट कंडीशनिंग का लेवल क्या है। तो यार बैक साइड से उनकी फिजिक काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, बाकी फ्रंट साइड से देखना पड़ेगा और जो वो पोजिंग करते हैं। बाकी आप लोगों को उनकी फिजिक अपडेट कैसे लगी? और यार पूरा सपोर्ट करते हैं उनके जो फैंस हैं राहुल के, मैंने देखी कि काफी ज्यादा लॉयल फैंस हैं उनके। तो आप लोगों को उनकी फिजिक अपडेट कैसे लगी कमेंट्स करके बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों, हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले IFBB प्रो मेंस फिजिक के, जिनका नाम है पंकज गजवानी। अब दोस्तों, मैं पहली बार इनकी मतलब इनके बारे में पहली बार चैनल के ऊपर बात करने वाला हूँ और ये भी कम्पीट करने वाले हैं मुंबई के प्रो शो के अंदर। तो ये भी अब रिटर्न करने वाले हैं स्टेज के ऊपर और ये जो है ना, अब मुंबई वाले प्रो शो के अंदर कम्पीट करने वाले, अपना प्रो डेब्यू करने वाले हैं। और ये कानपुर के रहने वाले बॉडी बिल्डर है। बाकी इस बार इनकी कोशिश रहेगी कि ये टॉप 5 के अंदर आ जाए। ये ऐसा कहते हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि इनका गोल है कि ये टॉप 5 के अंदर आ जाए मुंबई वाले प्रो शो के अंदर, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है इस बार का मुंबई का प्रो शो और इनका ये प्रो डेब्यू होने वाला है। और आप लोग इनकी करंट फिजिक अपडेट देख सकते हो, खासकर आप लोग इनके शोल्डर्स देख सकते हो कि फाइबर आप लोग नोटिस कर सकते हो, कंडीशनिंग काफी ज्यादा अच्छी लग रही है इनकी। बाकी देखते हैं कि ये कैसा पैकेज लेकर आते हैं और कैसी कंडीशनिंग लेकर आते हैं इस बारी के मुंबई के प्रो शो के अंदर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर हिज प्रो डेब्यू। इसके बाद दोस्तों, हम सीधा बढ़ेंगे अपनी एमेच्योर ओलंपिया की फिजिक अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, मैं बात करूंगा जीजो जॉन के बारे में, जो कि अभी कल ही कंपीट करने वाले, कल ही स्टेज के ऊपर हमको नजर आएंगे एमेच्योर ओलंपिया कोरिया के। और आप लोग दोस्तों इनकी करंट फिजिक अपडेट देख सकते हो। एंड भाई एमेच्योर ओलंपिया का जो एथलीट चेक इन है वो हो चुका है और आप लोग जीजू जॉन की दोस्तों जो बॉट शॉर्ट्स वाला नंबर है कुछ ही देर के अंदर हमको पता लग जाएगा। बट आप लोग देख सकते हो कि टैनिंग रूम के अंदर जो उनकी फिजिक है वो कैसी लग रही है। एंड डेफिनेटली आप लोग देख सकते हो कि लोडिंग चल रही है उनकी फिजिक में और पहले से ज्यादा ड्राई और कंडीशन लग रहे हैं। और कोरिया के दोस्तों एथलीट्स, मेरे को मालूम नहीं कि कोरिया के एथलीट्स का साइज क्या होता है, क्या लेवल होता है उनकी फिजिक का, बट इतना दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जीजो के पास एक डेफिनेटली चांस है कि वो बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, बढ़िया फिजिक लेकर आ सकते हैं इस बारी और प्रो कार्ड हासिल कर सकते हैं इस बारी के एमेच्योर ओलंपिया कोरिया के अंदर। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या प्लेसिंग आती है। और आप लोग दोस्तों इनको बेस्ट ऑफ लक जरूर लिखिए, बिकॉज 25 सितंबर को ये स्टेज पर चढ़ेंगे और जो है प्रो कार्ड जीत सकते हैं नहीं जीत सकते ये तो हमको देखना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, मैं सीधा बढ़ूंगा अरविंद स्पार्टकस की अपडेट के बारे में। और दोस्तों फाइनली मैं अपडेट लेकर आ चुका हूं हमारे अरविंद स्पार्टकस की, जो कि आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर लिखते हो कि आप उनकी अपडेट नहीं देते हो। तो भाई अरविंद स्पार्टकस की आप लोग अपडेट देख सकते हो कि ये तो लेग प्रेस की मशीन कर रहे हैं, बट उसके अंदर इन्होंने जो पूरी जिम की वेट्स होते हैं वो सारे अपनी मशीन के अंदर ही लगा दिए और इन्होंने तो लोगों को भी नहीं छोड़ा है, मतलब लोग भी ऊपर से डाल दिए इन्होंने मशीन के ऊपर। और ये बॉडी बिल्डिंग डिवीजन के अंदर कम्पीट करने वाले हैं मुंबई वाले जो एमेच्योर ओलंपिया होने वाला है। बट आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो कि वो साइज लेकर आना चाहते हैं, मास लेकर आना चाहते हैं अपने लेग्स के ऊपर। तो देखते हैं कि भाई इस बारी वो प्रो कार्ड जीत सकते हैं बॉडी बिल्डिंग डिवीजन के अंदर कि नहीं जीत सकते, बिकॉज इस बारी अरविंद स्पार्टकस जब वो मेंस फिजिक के अंदर कम्पीट करते हैं तो यार उनको उनके साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी हम लोगों ने देखी है। तो देखते हैं कि इस बारी अगर वो बॉडी बिल्डिंग डिवीजन के अंदर कम्पीट करते हैं मुंबई वाले एमेच्योर ओलंपिक के अंदर, तो क्या वो प्रो कार्ड जीत सकते हैं
कि नहीं जीत सकते। बाकी देखते आगे आने वाले दोनों के अंदर हमको उनकी करंट फिजिक अपडेट तो मिल ही जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे अगले एथलीट के बारे में जो कि मेंस फिजिक के अंदर कम्पीट करेंगे। उनका नाम है लवप्रीत सिंह और ये कम्पीट करेंगे एमेच्योर ओलंपिया के अंदर। और लास्ट ईयर भी इन्होंने कम्पीट करा था, बाकी प्लेसिंग का मेरे को मालूम नहीं है कि इनकी प्लेसिंग की आई थी लास्ट ईयर। इस साल की करंट फिजिक अपडेट के अंदर अपना कैप्शन लिखते हैं कि विंटर के साथ साथ दिवाली भी आएगी। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इस बारी जो एथलीट्स हैं एमेच्योर ओलंपिया के अंदर विंटर दिवाली क्रिसमस सारा कुछ एक ही साथ लेकर आएंगे। और इस साल दोस्तों एमेच्योर ओलंपिया काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव होने वाला है, खासकर मेंस फिजिक डिवीजन के अंदर। तो कैसी लाइनअप के अंदर ये कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसी फिजिक लेकर आते हैं और ये क्या ये प्रो कार्ड जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं? ये तो हमको देखना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों मैं सीधा बढ़ूंगा अपने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट के बारे में और बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं सीधा बढ़ूंगा अपने जर्मी ब्यूंडिया की अपडेट के बारे में और भाई उनकी अपडेट आ चुकी है। और इस अपडेट के अंदर वो हमको बताते हैं कि वो है 215 पाउंड्स के, यानी कि 92 केजीज के इस टाइम पे वो, और उन्होंने 16 पाउंड गेन करा है अपने 3 हफ्तों के बल्क के अंदर। और आप लोग देख सकते हो कि वो ओलंपिया 2023 के अंदर कम्पीट करने वाले और उनका रिटर्न होने वाला और अपना बेस्ट पैकेज लेकर आना चाहते, मतलब एक नया पैकेज लेकर आना चाहते जर्मी ब्यूंडिया। और साइज पे और उनकी जो है मेहनत चल रही है और नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि भाई वो फाइट फॉर फाइव कर सकते हैं, मतलब 5-time ओलंपिया चैंपियन वो बन सकते हैं मेंस फिजिक के, क्योंकि मेंस फिजिक को पॉपुलर जिसने किया था वो था जर्मी ब्यूंडिया। तो देखते हैं दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जर्मी ब्यूंडिया इस बारी 5 times ओलंपिया चैंपियन बन सकते हैं, कमेंट करके तो बता ही सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं अगली कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर बढ़ूंगा। एक हाल ही के अंदर एक आर्नोल्ड क्लासिक यूके के अंदर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई न्यूज़ ये आती है रिसेंटली कि आर्नोल्ड यूके जो होने वाला है उसके अंदर आर्नोल्ड नहीं आने वाले, मतलब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो कि जिनके नाम से इवेंट बना है वही नहीं आने वाले इस इवेंट के ऊपर। तो भाई रीज़न कुछ ये मालूम पड़ता है कि जो यूके वाली टीम थी और यूएस वाली टीम थी उनके बीच में कुछ आर्नोल्ड की अटेंडेंस फीस से रिलेटेड कुछ इशू हो जाता है। इस कारण से एंड के अंदर आर्नोल्ड रिफ्यूज़ कर देते हैं आना जो आर्नोल्ड यूके होने वाला था। और लास्ट ईयर भी आर्नोल्ड जो है नहीं आते आर्नोल्ड यूके के अंदर क्योंकि कुछ मेडिकल रीजंस होते हैं लास्ट ईयर। तो बट इस साल कुछ फाइनेंशियल मिसकम्युनिकेशन और नेगोशिएशन की वजह से वो आर्नोल्ड मना करते थे आने के लिए इवेंट पर। ज्यादा डीप नहीं जा रहा इसके अंदर, बस इतना ही कहना चाहूंगा यार मेरा ओपिनियन बस यही है कि जो प्रमोटर्स थे आर्नोल्ड यूके के उनको पहले से यार तैयारी और अरेंजमेंट्स करके रखनी चाहिए थी, बिकॉज एंड मोमेंट पे अगर ऐसी चीजें होंगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आती हैं। और जो आर्नोल्ड यूके वाला इवेंट होने वाला था उसका नाम भी अब चेंज हो चुका है और नाम उसका अब हो चुका है एक्सपीरियंस विद स्पोर्ट्स फेस्टिवल यूके कर दिया गया है। तो नाम भी थोड़ा अटपटा सा है और बाकी देखते हैं भाई इवेंट कैसा होने वाला है। और कुछ एथलीट्स तो निकल भी चुके हैं इवेंट से, जैसे कि लायनल बेयकी जो हमारे बॉडी बिल्डर जो कि कम्पीट करने वाले थे वो भी अब नहीं कम्पीट करने वाले बिकॉज उनका वीजा इशू आ गया था, इस कारण से वो नहीं कम्पीट करने वाले। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो रही हैं यार इस इवेंट से रिलेटेड। और IFBB की जो प्रेसिडेंट है जिम मैनियन वो भी भरोसा दिलाते हैं एथलीट्स को कि जो भी एथलीट विनर होगा इस इवेंट का, जो भी विनर्स होंगे इस इवेंट के, उनको प्राइज मनी दिया जाएगा। तो भाई कुछ इस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी आर्नोल्ड यूके के अंदर। खैर कॉन्ट्रोवर्सी भी क्या ही बोलूँ मैं, एम्बैरेसमेंट वाली बात है और ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। बाकी देखते हैं कि इस बार जो इवेंट होगा वो मतलब कैसा इवेंट होता है और बाकी जो भी अपडेट्स आती है जो भी विनर्स होंगे इवेंट के उसकी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। और इसके बाद दोस्तों मैं छोटी सी अपडेट के बारे में बढ़ने वाला हूं जो कि आ रही है हमारी फ्लेक्स लुइस की तरफ से और हमारे 7 times 212 चैंपियन रह चुके हैं और इनकी मैं करंट फिजिक अपडेट लेकर आ चुका हूं। और इस फिजिक अपडेट के अंदर फ्लेक्स लुइस है 214 पाउंड्स के और इस फिजिक अपडेट के अंदर हमको बताते हैं कि वो है TRT डोसेस पे, यानी कि वो टेस्टोस्टेरोन लेवल पर उनकी जो है साइकिल वगैरह चल रही है। और डेफिनेटली आप लोग फिजिक देख सकते हो कि साइज के मामले में बढ़िया लग रही है और इन्होंने संन्यास ले चुके हैं वैसे कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग से, बट डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और बस मैं यही उम्मीद करूंगा कि इनकी हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी रहे और फिटनेस इंडस्ट्री के लिए जो भी आगे करेंगे या जो भी इनके प्लान है उनके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा फ्लेक्स लुइस को। इसके बाद दोस्तों हम सीधा बढ़ेंगे आंड्रे ड्यू की फिजिक अपडेट के बारे में और भाई आंड्रे ड्यू की फिजिक अपडेट आ चुकी है। और सीरियसली यार अगर ये कोई भी प्रो शो के अंदर अभी इस वक्त पे कंपीट करेंगे ना तो जीत भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सरप्राइजिंगली ये कंपीट नहीं कर रहे हैं इस वक्त पे, मेरे को ऐसा लगता है कि हानी रैमबोर्ड ने कुछ ना कुछ सोचा होगा आंड्रे के लिए। और बस इतना ही कह सकता हूँ कि यार आंड्रे इस साल ओलंपिया के अंदर कंपीट तो करेंगे ही, बाकी कौन से शो से वो क्वालिफिकेशन लेते हैं इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि भाई कौन से शो के अंदर कंपीट करते हैं और क्वालिफाई करेंगे मिस्टर ओलंपिया के लिए। और फिजिक अपडेट कैसी लगी कमेंट करके तो बता ही सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं सीधा बढ़ेंगे अपनी लास्ट अपडेट के ऊपर जो कि आ रही है कियोन पियर्सन की तरफ से। और भाई कियोन पियर्सन की तरफ से अपडेट आ रही है और वो बताते हैं कि वो है 213 पाउंड्स के, यानी कि 96 किलोग्राम्स के हैं वो और अभी 12 हफ्ते हैं उनके पास ओलंपिया के लिए। और आप लोग की करंट फिजिक अपडेट देख सकते हो और भाई इनकी मसल बेलीज और प्रोपोर्शंस काफी ज्यादा इनसेन लग रही है जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। और ओलंपिया के अंदर क्या प्लेसिंग लेकर आते हैं ये तो देखना ही पड़ेगा डेफिनेटली। और इस बारी इंप्रूव्ड वर्जन लेकर आएंगे, इंप्रूव्ड फिजिक लेकर आएंगे अपनी और काफी टाइम भी है अभी कियोन पियर्सन के पास, तो देखते हैं कि भाई कैसी फिजिक लेकर आते हैं मिस्टर ओलंपिया के अंदर। तो भाई उसी के साथ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड
बाय।